मुबारक। और आज मैं आपकी बेनू लाई मेरी माँ। आ जाओ जी। जनाब मैं इस वक्त घर के अंदर अब आ चुकी हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मुझे ऐसे लोग इतने अच्छे लगते हैं तनवीर साहब, जो उनके दिल में होता है ना वो बगैर किसी डर के खौफ के बोल देते हैं, बजाय इसके किसी के पीठ पीछे बात की जाए। अगर आप कुछ भी किसी के बारे में जैसी भी राय रखते हैं हम खुल के बात करनी चाहिए भाई। हाँ मे बी समटाइम किसी को बुरा तो लगता है लेकिन उसके फायदे के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए इस लिहाज से बड़ी अच्छी आपकी आदत है, तनकीद भी आप पर होती है, खबरों में भी आप रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत खैर मुबारक। और मेरी पूरी कोशिश थी नाज़रीन के भाभी ज़रूर साथ होती लेकिन बात नहीं बन पाई। बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, बच्चे इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। चले जी बच्चे ज्वाइन करेंगे, बच्चों से बहुत सारी बातें करनी है, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी। पहले तो मुझे ये बताइए ईद पे हमने आपको घेर लिया है, बिल्कुल करते क्या ईद पे आप, कैसी क्या एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखिए ईद पे जिस तरह सबकी होती है, जानवर ज़बह करने के बाद की पूछ रहे हैं, उसके बाद तो फिर आपको पता है बहुत टफ टाइम होता है। फिर अच्छा। उसके बाद जो वो गोश्त वगैरह काटना होता है, वो जो बांटना होता है, बांटना सब वो भी सब हम ही करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करता लेकिन करता जरूर हूँ। फिर उसके बाद खालाएं वगैरह सब आ जाती हैं, सिस्टर वगैरह घर पे आती है, कुर्बानी वगैरह मैं अम्मी के घर पे जो है वहाँ करते हैं, वो काफ़ी अरसे से वो सिलसिला चल रहा है वहाँ। फिर सब जमा होते हैं, फिर बच्चे वगैरह आते हैं। सबसे मुश्किल कलेजी वगैरह मेरे घर पे बनती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि अच्छा। कलेजी मेरे ख्याल हमारी तरफ को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता। आप क्या पसंद किया फिर खाने में, बनता क्या? जब वैसे तो मैं हैवी फूड में इतने ज्यादा नहीं खाता, हैवी मतलब यानी जिस तरह हमारे स्मार्टनेस का फिर यही राज है। मैं बिरयानी वगैरह ये कढ़ाई वढ़ाई इस टाइप की चीजें खाता नहीं लेकिन बकरा ही जगह पे आप रहते हैं ना नीचे सारा कुछ मिलता है। देखिए सारा कुछ मिलता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये है कि जब बकरा ईद वगैरह होती है फिर मैं ये 2-3 दिन जो होते हैं ना इसमें फिर मैं डाइटिंग नहीं करता क्योंकि साल में सिर्फ ये 2-3 दिन होते हैं, इसमें जो मेरे सामने आता है वो मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन उसके बाद फिर ये जब सिलसिला ईद का ख़त्म होता है फिर उसके बाद जो मैं फिर ट्रेनिंग करता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, ये जो चीज़ें बर्न करता हूँ वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा वैसे क्या लाइफस्टाइल क्या है, डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं? ईद के दिनों में बता रहे हैं हम नहीं करते लेकिन नॉर्मल करते हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल करता हूँ। अभी 3 महीने हो गए हैं, मैंने 3 महीने से मीठा नहीं खाया है, मतलब लेकिन आपने जो लाहौर की बात की ना, पंजाब साइड के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह है जो मैंने देखी है, उसकी वजह पंजाबी तो मैं भी हूँ लेकिन हमसे यहाँ खाया ही नहीं जाता, पानी हवा यहाँ का जो चीजें है वहाँ, हम भी जब पंजाब जाते हैं हम भी जाके यही सब कुछ खाते पीते हैं, हमें भी सब कुछ हजम हो जाता है। मोटा करता शायद? नहीं नहीं मोटा तो नहीं करता, हजम बड़ा जबरदस्त होता है, हजम बड़ा जबरदस्त करता है। अच्छा मुझे ये बताएगा क्या चक्कर हुआ, अभी एक काम करते हैं अभी रिसेंट से शुरू करते हैं, पास्ट में बाद में जाएंगे, ये क्या चक्कर है पीसीबी में? अभी जनाब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो आपको पता है पीछे ज़का अशरफ, नजम सेठी, पीटीआई की आई रमीज राजा, जो हुकूमत आती है सारी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, ये क्या चक्कर है पीसीबी में? देखिए अफसोस ही होता है कि हमारे मुल्क में चेयरमैन जो हैं वो बार बार चेंज होते हैं, हमारे चेयरमैन इस तरीके से चेंज होते हैं जिस तरह पता नहीं कोई मजाक लगा हुआ है कि अब दूसरी कंट्री में आप देखें कैसे टाइम लगता है, 2 साल बाद 3 साल बाद टाइम, पूरा टाइम लेते हैं। मुझे तो आईसीसी की यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते हैं, कोई वो मतलब नोटिस नहीं, आईसीसी का बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका क्रिकेट बोर्ड जल्दी पे जल्दी क्यों चेंज हो रहा है। मैंने तो ये सुना है कि आईसीसी के कुछ रूल्स हैं कि आपका जो बोर्ड है वो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं वो एक वो तो हम भी बात करते हैं लेकिन वो उनका अमल दखल ऐसा नहीं है कि वो 100% अपनी चीज़ें इस मामले में वो कर सकें, वरना ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग भी बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी से चेयरमैन बना लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होता, हमारे यहाँ पे होता है, इसलिए पॉलिटिक्स इसमें अगले महीने हलफ उठा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब का सुना जा रहा है कि वो बड़े फेवरेट हैं और बावसूख ज़रा बता रहे हैं। हाँ जी तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे? देखिए मैं तो नहीं समझता कि ये चीज़ें होनी चाहिए,
क्योंकि पिछले कोई 6 महीने से आपके जो हैं वो चेयरमैन चेंज हो गए, रमीज राजा गए, नजम सेठी आ गए, 4-5 महीने 6 महीने उन्होंने काम किया, अब ये आ जाएंगे। तो ऐसे तो काम कौन अच्छा ऐसे तो क्रिकेट बोर्ड चलता नहीं है। बारियां आती हैं, आते तो हैं बड़े दावे करके कि जी हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। काम कौन अच्छा करता? कोई भी नहीं करेगा काम। हमेशा उस टाइम अच्छा होगा जब कोई भी मेरिट पे आएगा। जब आप मेरिट पे नहीं आएंगे तो कैसे काम अच्छा होगा? कभी भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे मुझे एक बात की समझ नहीं आती है। अभी हम लोग लाहौर पंजाब की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में ये चीज़ भी बहुत सुनने को मिलती है, जी कराची से लड़के नहीं लेते, सारे लड़के पंजाब के लेते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है क्रिकेट में? मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा कोई बात नहीं करता शायद इस टॉपिक पे, मैं ज़्यादा बात करता हूँ, इसीलिए आप पे तनकीद भी होती है। मुझे तनकीद तो मतलब ये हकीकत है, वाकई ऐसा होता है? हकीकत है, हकीकत ऐसी होता है। पंजाबी आप, आपको तो बात नहीं करनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, यही तो लोग मुझे कहते हैं, उल्टा मुझे रिएक्शन यही आता है। अच्छा, कि तुम पंजाबी हो, तुम पंजाब के लोगों के खिलाफ, तुम कराची में रह के कराची को खुश करो। मैं कराची में जिस भी नस्ल से जो भी ताल्लुक़ रखता है, जिस कम्युनिटी से जो बंदा ताल्लुक़ रखता है, मैं हर उसकी बात करता हूँ। जिसका डोमिसाइल कराची का बना हुआ ना, उसके साथ नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी है क्रिकेट में, तो उस पर फिर वो रिएक्शन आता है। मैं बोलता रहता हूँ, मुझे मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना टीवी पे, मुझे 10 साल हो गए तकरीबन बैठे हुए। जिस किस्म की मेरी नेचर है, मुझे पता था कि ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलेंगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं किसी की, जो बोलता है बोलता रहा। क्या क्या बोला लोगों ने, 10 साल से टाइम गुजार रहा हूँ मैं, गुजार रहा हूँ। अच्छा चले, मुझे ये बताइएगा, आपने इतना ज़बरदस्त, मतलब आप प्लेयर थे बड़े ज़बरदस्त, आपने माशाल्लाह, मुझे वो याद है आपका टेस्ट जिसमें एक इनिंग में आपने 6 विकेट ली डेब्यू में। क्या वजह हुई कि आप भी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़े हैं कि आपको इंटरनेशनल इस तरह मौका ही नहीं मिला? 6-7 मैचेस खेले हैं बस आपने, क्यों? 5 टेस्ट मैच खेले मैंने, और इसमें भी पॉलिटिक्स ही थी जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट आया टीम में। उसके बाद जब मैं आया तो मैं ये समझा कि वाकई जो अब मैं पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, अब मैं थोड़ी सी क्रिकेट खेलूँगा। क्योंकि उस टाइम मैं आई कोई आई थिंक 33-34 साल का था शायद मैं, जब मैं टीम में आया कोई 12-13 साल के बाद, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद। तो जब मैं आया तो मैं समझा कि यार चलो डोमेस्टिक की पॉलिटिक्स से जान छुटी है। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, पॉलिटिक्स से जान छुटी, तो मैंने सोचा चले यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। लेकिन बस वो 2011 के बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर का मुझे बाहर कर दिया गया, ये बोल के कि जी जिम्बाब्वे का टूर है, 3-4 लड़कों को बाहर किया। फिर श्रीलंका का टूर आया, टेस्ट मैच में बोला अब आपका नाम आएगा, मेरा नाम नहीं है, बाकी 3 आ गए। तो सुनने में ये आया था कि कोच जो है वकार यूनुस, उन्होंने बोला कि इसकी फिटनेस सही नहीं है। ये मैं काफ़ी दफ़ा टीवी चैनल्स पे कह चुका हूँ। मोहसिन हसन खान जो हैं वो थे चीफ सिलेक्टर, मैंने उनसे फ़ोन भी किया था, वो तो बड़े नाइस थे। मैंने उनसे बोला मेरा नाम क्यों, वो कह रहे थे कोच से पूछो, हेड कोच, तुम्हारी फिटनेस सही नहीं है। तो ये है, अब जब कभी कुछ जाती को ग्रज तो नहीं था किससे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा फेवरेट थे वो। उनको देख के मैंने बॉलिंग स्टार्ट की, बॉलिंग करता था, लेकिन उनको देख के मुझे शौक चढ़ा के चले अब हार्ड बॉल खेलनी चाहिए, ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन ये भी दुनिया का वाहिद बंदा ही होगा जो अपने फेवरेट के पीछे पड़ गया टीवी पे कि उसने मेरे साथ गलत की, उसने मेरे साथ गलत किया। मेरे से मुझे ये पता है बच्चे कहाँ आए, अभी तक आए नहीं। बच्चे उधर हैं, तो बच्चे उधर हैं, बच्चों को भी हम लेके आएंगे और बच्चों से बहुत सारी, बल्कि हम बच्चों के पास चले जाएंगे, तो बच्चों से भी बहुत सारी बातें करनी है। जो भी बताया है तनवीर साहब ने कि बड़ा घूमते फिरते हैं, बच्चे मुतमईन हैं या फिर वो कहते हैं टाइम नहीं देते और बस कह दिया है, ये वही बताएंगे। जी जनाब, बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इतनी प्यारी प्यारी ये दोनों बेटियां हैं, इन दोनों के नाम बताइए। इनका नाम अनाया है, इनका नाम अबीरा है। अनाया और अबीरा, इनके बाल इतने प्यारे और इतनी क्यूट दोनों लग रही हैं माशाल्लाह, लेकिन आंखें इन दोनों की, आई कलर आप पे नहीं गया, ये आई थिंक भाभी पे चला गया। हाँ, इनका जो कलर आईज का कलर है उन पे गया, मेरे पे नहीं गया। वैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये क्या हो, मैंने बोला ये वैसे अल्लाह ताला की देन है, दोनों प्यारी हैं माशाल्लाह, और क्या चाहिए। तो ईद मुबारक मुझे नहीं कहना, ईद मुबारक नहीं कहना, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, ईद पे मजा आता है? बाबा के साथ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं ईद के पहले दिन? दादू के घर पे जाते हैं ना, बोलो दादू के घर जाते हैं, दादू के घर वहाँ जाके कजन आते होंगे और आते हैं ना वहाँ पे, क्या करते हैं उनके साथ, खेलते हो? अच्छा, आपकी अटैचमेंट मुझे पता है दोनों के साथ होगी, आप ये नहीं बता सकते दोनों में से किसी एक के साथ किसके साथ है? नहीं, दोनों के साथ बहुत अच्छी, दोनों के साथ है। बेटियां वैसे ही उनकी बाप बहुत ज्यादा होती है, माँ से कम होती है, मुझे आइडिया है ना। अब
ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन ये है कि ये दोनों, ये शायद हर बाप के साथ ऐसे ही होता है, उनकी बेटियां कोई ख्वाहिश करती हैं तो वो पूरी हो जाती है। अब ये दोनों जब भी कोई चीज़ बोलती है, पता नहीं मुझसे मना नहीं होता, मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि शादी का मैं तो अपने, मैंने तुमने फादर को कह दी था मैंने शादी नहीं करनी, बस अब एज हो गई। नहीं, तो वो शादी बड़ी लेट की वो, है। वो शादी इस वजह से मैंने लेट की क्योंकि जॉब वगैरह कुछ भी नहीं थी, कमाई कुछ आती नहीं थी, तो हम भी बिल्कुल पैदल ही थे जब क्रिकेट खेल रहे थे, और हमारे दौर में क्रिकेट का कोई इतना पैसा वैसा तो था नहीं। ये मैं वाली साहब को ज़रूर कहता था कि मैं शादी उस टाइम करूँगा जब मैं ये समझूंगा कि अब बस ख़त्म हो गई क्रिकेट, अब बस क्रिकेट ख़त्म है, उसके बाद करूँगा। वरना मैं, खैर अब्बू की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, अम्मी की तरफ से इतनी नहीं थी, अब्बू की सपोर्ट बहुत थी। अब्बू कहते थे तू खेल क्रिकेट किसी ना किसी तरीके से, देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन ये है कि बस जब शादी का टाइम आया तो उस टाइम एज थोड़ी ज़्यादा हो गई। मेरी शादी जो 37 ईयर्स में हुई है, 37 में, तो अभी कुछ दिन हुए, 9 साल हुए हैं हमारे। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक आपको, मुबारकबाद दे देती हूँ शादी की भी। अच्छा, मैं ये अनाया से बात करूँ। जी बिल्कुल। अनाया, आप मुझे बताओ, स्कूल में फ्रेंड्स हैं? जी। मज़ा आता है स्कूल में? तो ईद में फिर आप किस तरह सेलिब्रेट करती हो, एंजॉय कैसे करती हो कजन्स के साथ? दादू के घर पे जाते हैं ना, बोलो ना, दादू के घर जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। बाबा अच्छे लगते हैं कि मामा? दोनों, कोई एक नहीं। यहाँ पे माइक, यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं घबराएंगे ये। अच्छा, तो बाबा घुमाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं बताते हैं, मैं तो बहुत घुमाता हूँ इन्हें। कहाँ कहाँ जाते हैं? शरारती कौन है इन दोनों में से? ये ज्यादा मुझे थोड़ी सी लगती है। उसकी अभी आप शरारती है थोड़ी सी सोच रही है? नहीं नहीं। अच्छा, तो वैसे दोनों की नेचर अब कैसी है, सबसे मतलब घुलती मिलती है? ये शाय है थोड़ी सी। अच्छा। ये तो लेकिन अभी रिजर्व हुई हुई है। हाँ, रिजर्व हुई हुई है। वो होता है ना आपके बच्चों में, कोई ना कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी वो रौनक होती है। खैर रौनक तो दोनों में होती है, ये जरा थोड़ी सी ना वो करती है, जरा शुगल मेला थोड़ा सा लगाती है, ये थोड़ा सा। जैसे मैं ये बता दूं, ये सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं रहे, और माशाल्लाह आप तो बड़ा जबरदस्त एनालिसिस भी करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और दूसरा ये जो भी आप घर देख रहे हैं ना माशाल्लाह से, ये जितना भी सजा हुआ है, जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये तनवीर साहब की अपनी चॉइस है, तो ये भी इनको शगफ है कि घर सजाना है। वरना अक्सर मर्द हजरात ने सारी जिम्मेदारी अपनी खवातीन पे डाली होती है कि तुम ही देखो, तुम ही सजाओ, तुम ही को बनावट का पता है। नहीं, इसका मुझे बहुत शौक है। अच्छा, ये आप जितनी भी घर पे, अभी तो मुझे बहुत कम हुआ है, अरसा हुआ इस घर में आए हुए, इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो फिर और आपको अच्छा मिलेगा। ये मुझे बहुत शौक है सजाने का, फ्रेम्स का, इस तरीके से कि घर अच्छा लगे। कोई भी बाहर से है उसको पता तो चले ना कि मतलब किसी एक क्रिकेटर का घर है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो देखूंगी क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, क्या सोचते हैं अपने बारे में आप, फ्यूचर प्लान्स को सोचते हैं या फिर आप वो गो विद द फ्लो वाले आदमी हैं कि जो है बस इसको एंजॉय करो, आगे वक्त आएगा देखा जाएगा? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोचता, और ये चीज़ें हो सकता शायद मैंने अपने वालिद साहब से उस बच्चियों के बारे में सोचते होंगे। नहीं, बच्चों के बारे में तो सोचते हैं, मैं अपने बारे में या पैसा कमाने के या और चीज़ें, मैं उस हिसाब से इतना नहीं सोचता। मैं कहता हूँ जो काम चल रहा है, ज़्यादा फटीकों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं टीवी चैनल में इतनी फटीकें ली हुई हैं मैंने बोल बोल के, पढ़ गया दूसरे कामों में तो वो फिर कहाँ से होना है। सर, ये बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, और कुछ दीगर मेहमान भी हैं जो स्टूडियोज़ में मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, कोई पैगाम आप देना चाहते हैं खास के ईद के मौके पर अपने व्यूअर्स को या क्रिकेटर्स को, नए आने वाले टैलेंट को? देखिए, सबसे पहले तो ईद मनाए अपने घर वालों के साथ, और जो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं वो उनको भी अपने साथ इस ईद में रखें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस ईद को, परेशानी होती है, उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल करें। इन सब को लेके हमें ज़रूर जो है वो चलना चाहिए। बाकी जो क्रिकेटर्स की आपने बात की है, क्रिकेटर्स को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, अपनी क्रिकेट में फोकस करें। टाइम गुजरता चला जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर आप सोचते रह जाएंगे हमने तो मेहनत की थी लेकिन हमारे पास मौका, हमें मौका नहीं मिला। और जिन जिन लड़कों को चांसेस मिल रहे हैं अभी पाकिस्तान टीम से या ए टीम के जो वो टूर्स हो रहे हैं, तो उसमें 100% अपनी एफर्ट दें और ऐसी परफॉर्मेंस दें कि मेरे जैसे बंदे को भी टीवी पे मैं आप लोगों की सबकी तारीफ कर सकूं, वरना आप लोग बोलेंगे ये हमारे पीछे ही पड़ा ये रहता क्या है। कह दिया। चले जनाब, टाइम चूंकि बिल्कुल खत्म होने वाला है और मुझे स्टूडियोज में दूसरे मेहमानों ने भी ज्वाइन करना है,
पकना क्या है आज? ये बस मीठा ही सर्व करेंगे? नहीं नहीं मीठा नहीं, चावल वगैरह बिरयानी। ये मुझे पता आपको भिंडी गोश्त बड़ा पसंद है। नहीं नहीं भिंडी गोश्त वैसी बहुत की है मैंने आपके, मुझे ये बताइए आज क्या बन रहा है? ये आपको कैसे पता चला भिंडी मेरी फेवरेट है? मुझे पता है, इसका मतलब ये है कि मुझे आईडिया हो गया आपको कैसे पता चल गया। आपकी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, आपने लगता सब कुछ पूछ लिया। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या बनवा के रहे हैं आज खाने में? आपने क्या खाना है? देखिए मैं लाहौर से हूँ, आपको पता है लाहौरी देसी खाना। इसका मतलब लस्सी वस्सी? लस्सी वस्सी नहीं, हम तो वो लोग छोले। ये सुबह के नाश्ते हैं, सुबह सुबह के नाश्ते हैं। अभी नाश्ता मैं करके आई हूँ एक्चुअली। नहीं तो आप रात के खाने का बंदोबस्त कर? नहीं तो ये तो अब हम तो कराची में बैठे हैं ना, यहाँ तो फिर न्यारी मिलेगी, पाए मिलेंगे, बिरयानी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा यहाँ तो। मुझे कराची की बड़ी पसंद है, आपको अच्छी लगती है? बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ। क्यों? वही डाइटिंग की वजह से। उसमें तो बॉयल्ड राइस चलते हैं, लेकिन मसाला तो कूट कूट के भरा हुआ होता है उसमें, कभी-कभी चलता है ना। अच्छा बिरयानी हलीम का कॉम्बिनेशन पसंद है? हलीम तो मैंने पता नहीं खाए हुए जमाना हो गया। क्यों कराची में रहते हुए? ना जमाना हो गया, जमाना हो गया। यहाँ वैसे आपको कराची में क्या पसंद है ज्यादा खाते हैं? मैं बारबेक्यू बहुत खाता हूँ। वो आपको पता है कि ऐसे मोटा नहीं होगा तो यही खाता। बारबेक्यू जंक फूड मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये दोनों जंक फूड। अच्छा बाबा जब बर्गर खिलाने के लिए लेके जाते हैं किस तरह एंजॉय करते हो, बातें करते हो ढेर सारी? क्या बातें करते हो? बातें नहीं कर रही ना, क्या बातें करते? अच्छा ये बताओ कि हम जब बाहर जाते हैं हम गाड़ी में बैठ के ज्यादा खाते हैं या अंदर बैठ के ज्यादा, रेस्टोरेंट में ज्यादा हैं? गाड़ी में ज्यादा बैठ के, गाड़ी में बैठ के ये ज्यादा एंजॉय करती हैं। अच्छा गाड़ी में बैठ के ज्यादा एंजॉय करती हैं, ज्यादा मजा आता है। तो आप दोनों फिर अब बाबा के साथ चल के एंजॉय करोगी? दादू के घर जाना है ईद वाले दिन, दादू के घर ही जाते हैं ना, अभी हम जाएंगे ना थोड़ी देर बाद। हैं भाई पहले दिन जाएं, दूसरे दिन जाएं, तीसरे दिन भी जाएं, तीनों दिन जाएं, क्योंकि आप जब सोशलाइज नहीं करते, इतना दोस्त नहीं बनाए हुए, तो फैमिली को तो फुल टाइम देना चाहिए ना। चलें जनाब यहाँ पे बातें तो ये चलती रहेंगी, खाने पीना भी चलता रहेगा, तो मैं देखती हूँ मेरे लिए क्या पकवाते हैं। लेकिन स्टूडियो में दूसरे मेहमानों ने भी मुझे ज्वाइन करना है, तो वहाँ चलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ से, और हम सब की तरफ से, दोनों बच्चियों की तरफ से भी और तनवीर साहब की तरफ से भी, आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी ईद मुबारक। स्टे विद अस। Sani sa ga ma re, sani ni re sa ni 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 sa da ni da ma ga ma re, sani san sani ni re sa ni ni sa. Andaaz hai mausam mein mere, range ghazal ke andaaz hai mausam mein mere, range ghazal ke. आती है तेरी याद बड़े भेस बदल के, अंदाज मौसम में सगमा निध निध मर निरे, सगमा धा सा निध मा गमा सा, याद आने लगा फिर वो, याद आने लगा फिर वो, सकूं तेरी गली का, याद आने लगा फिर वो, सकूं तेरी गली का, फिर दिल का तकाजा है कि बैठी वहीं चल के, फिर दिल का तकाजा है कि बैठी वहीं चल के। क्या बात है आपकी, मजा आ गया। नाज़रीन वेलकम बैक, और इस वक्त ईद का त्यौहार है और मेरे स्टूडियो में इस वक्त माहौल बना हुआ है। इस वक्त आपने जैसे कि मुलाहिज़ा किया, मेरे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जहां आरा आपा मौजूद हैं, और 1986 में साए ड्रामे में नादिया का किरदार निभाया, उसके बाद पुलिस रात, मेहंदी, सहेली,
पता नहीं कितने ऐसे ड्रामे हैं जिनमें हमने इनको देखा और क्या अदाकारी करती हैं। आजकल कुछ नज़र कम आ रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इनसे बहुत सारी बातें करनी है। ईद कैसे मनाती हैं और ईद में हमने इनका खास टाइम लिया है, तभी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आज इन्होंने क्या करना था जो हमारी वजह से कर नहीं पाई, और अभी घर जाकर क्या करेंगी। और दूसरी जानिब जनाब, खूबसूरत आवाज़ के मालिक आपने सुन ही लिया है, हमारे साथ करम अब्बास खान साहब मौजूद हैं। और क्या ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है जनाब, और क्या ये जो कलाम आपने गाया, ये आपका अपना है? ये शानुल हक हकी साहब का है, एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी इसके साथ जुड़ी है कि ये कलाम मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान साहब को दिया था शानुल हक हकी साहब ने, जब वो कराची में रहते थे। मैं ये बता दूं, ग्वालियर घराने से करम अब्बास साहब का ताल्लुक है, और इनके जो फोर फादर्स थे उन्होंने तो बहादुर शाह जफर के दरबारी गायक थे वो, और वहाँ से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये सुर बनाने वाले और ये गाने वाले असल ये लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। यूके में इन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में इन्होंने गाया है, जहाँ बहुत कम लोगों ने गाया है। फिर कोक स्टूडियो में इन्होंने अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। तो माशाल्लाह, पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। से भी तुम्हें बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। मैंने तो आज बकायदा ये लाल रंग भी पहना है, जरा ईद पे आपको पता ना सब लाल लाल होता ही है। मैंने भी गुलाबी पहना। आप तो माशाल्लाह वो कहते ना फॉरएवर ग्रीन, खूबसूरत लगती हैं कुछ भी पहन लें आप, और वैसी की वैसी है माशाल्लाह। आपा मुझे जब मिली मुझे लगा शायद इन्हें किसी ने तैयार किया है, लेकिन जब आपा ने मुझे ये बताया कि मैं खुद ही तैयार हुई हूँ, तो मैं हैरान हो गई कि आजकल के दौर का मेकअप आपा पहले से करती आ रही हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। खैर, मुझे ये बताएगा आपा, कहाँ थी आप? और मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, मतलब मेरी आपसे मुलाकात ऑन स्क्रीन होती थी। जी जी, आज स्टूडियो में आप हैं मेरे साथ, कहाँ थी? भाई कुछ ये पिछले दिनों ये जो कोविड की जो एक मुसीबत आ गई थी हमारे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ख़त्म हो गई। तो बस उसी सिलसिले में ये था कि ज़रा काम अवॉइड करती रही, तो बस। अच्छा, बच्चे भी कहते हैं कि माँ अम्मी आप मामा या नहीं जाएं आप? हाँ, अभी वैसे ही बाहर सिचुएशन इस तरह की है, यही हुआ होगा। जहाँ किसी का फ़ोन आया, मैंने कहा भाई देखो फलां फलां का फ़ोन आया है, तो वो उस कमर्शियल के लिए कह रहे खबरदार जो आप गई। अब बताओ मैं क्या करूं बच्चे ने। बहरहाल क्योंकि जो कुछ भी मैं करती हूं अपने शौकिया है, तो ठीक है, जब किया बहुत अच्छा किया, कोशिश कम से कम की। नहीं, आप अब तक जो करती आई हैं बहुत अच्छा करती आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो खास तौर पर जो माँ का किरदार है ना, वो आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है। अम्मा तो है ना, हम अम्मा हैं आप, और अब तो माशाल्लाह दादी भी है, नानी भी है। तो कुछ बताइए, कैसे मतलब ताल्लुक कैसा आपका अपने नवासों के साथ, नवासी पोता पोती कैसे ताल्लुक है? समझो मेरी जो नवासियाँ हैं वो तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। तो एक हमारे जो नवासे हैं उनके यहाँ माशाल्लाह अभी अभी ट्विंस हुए। ओह माशाल्लाह, इतने जान के टुकड़े हैं वो दोनों के। अच्छा। दोनों, लेकिन हाँ बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी चीज़ें, जैसे कहते हैं गुज गुज करने वाली चीज़ें। तो अच्छा। हाँ, और एक और हमारे वो हैं, बहरहाल मैं तो नानी तो हुई, मैं पर नानी भी हो गई। पर नानी भी हो गई, क्या आप लोगों के यहाँ शादियाँ जल्दी होती हैं, क्या चक्कर क्या है? हाँ कुछ ऐसा ही सिलसिला है। अच्छा अच्छा, भी वैसे मेरे, अच्छा मेरी नज़र में होना भी ऐसे ही चाहिए। हाँ। फिर आप जल्दी जल्दी सारी खुशियाँ अपने बच्चों की देख लेते हैं, साथ बड़े हो जाते हैं, बच्चे साथ बड़े हो जाते हैं। आजकल बस ये है कि जरा कुछ नौकरियों का ट्रेंड भी चल गया है कि लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, जरा स्टैंड हो जाए, पाँव पे खड़े हो जाए, तो कुछ देर हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में अगर लड़का लड़की ने खुद को पसंद कर लिया है तो फिर नौकरियाँ तो होती रहती हैं, शादियाँ जल्दी कर देनी चाहिए। मेरा तो ये हुआ था ना कि मैं तो अभी कॉलेज में थी जब मेरी शादी हुई, मैंने तालीम बाद में हासिल की, मेरी शर्त यही थी। मैंने कहा शादी जो अगर आप कर रही हैं, मेरी अम्मा से मैंने कहा, और जो मेरे ससुराल वाले थे उनसे मैंने कहा कि अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं मगर मैं पढ़ती रहूँगी बाद, तो लिहाजा मैंने पूरी अपनी तालीम बाद में पूरी करी। और इसी, और ये आपने अपना करियर ये वाला कब स्टार्ट किया था, अदाकारी वाला? ये तो बस इत्तफाकी है जिसे कहते हैं ना, हो जाता है। वो आप खूबसूरत तो थी, आप अभी भी हैं माशाल्लाह, तो बस फिर वो बात है ना, वो खूबसूरत चेहरे जब नजर आते हैं तो वो फिर क्लिक हो जाते हैं कि भी इनसे काम करवाना है, ये स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगेगी। बस ये जो बजिया फातिमा सुरैया बजिया साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने समझे एक दिन फ़ोन आया उनका, भाई आ जाओ। उनसे आपकी मुलाकात कैसे थी? वो मेरे जो फैमिली उनकी, उनसे हमारे बड़ों से, उनके बड़ों की गोया एक बहुत पुरानी जिसे कहते हैं ना, उनके ताल्लुकात बहुत पुराने थे और दोस्तियां भी थीं। मेरे बड़े मामू जो थे वो अनवर मकसूद साहब के वालिद के साथ अलीगढ़ में पढ़ते थे,
तो बहरहाल ये एक बहुत लंबी कहानियां हैं। बहरहाल उनका फोन आ गया कि मुझे, मैंने कहा क्या करना है, कि तुझे मलका बनाना है। अच्छा। मैंने कहा कौन सी मलका? मलका तो वैसे आप आज भी लग रही हैं। तो बहरहाल खैर वो तो तुम्हारी मोहब्बत है। तो वो तो मेरा पहला जो प्ले था वो था, बल्कि अभी मैंने एक किसी को इंटरव्यू दिया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जो पहला मेरा रोल था टेलीविजन के ऊपर वो स्पेन की मलका इजाबेला का था। अच्छा। तो वो बजिया ने बना दिया था और बस एक दफ़ा जब चल सो चल। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं आप और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरी आपसे कभी मुलाकात हो, तो आज अल्लाह ताला ने करवा दिया ईद के इस ख़ास मौके पर। अब मैं आ जाती हूँ जनाब करम साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह ऐसी ऐसी जगहों पर गाया कि जहाँ पर कम लोगों को मौका मिलता है, ख़ास तौर पर ये जो रॉयल एल्बर्ट हॉल था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पर गाने का? मुशरफ साहब ने मुझे उसका नॉमिनेशन किया था, मेरे कुछ वीडियोस चल रहे थे टीवी पर, तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूजन म्यूज़िक गा सकता है। तो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ऐसा मौका था कि जब मैं उस पर बग़ैर रैसल के, ग़ुलाम अली साहब थे, सज्जाद अली साहब थे, फ़ाकिर और मैं था, सही, एकदम से बग़ैर रैसल के ना उन्होंने लाइट्स में जाके खड़ा कर दिया, जैसे लाइट जली ना, तो मैंने पहली दफ़ा रॉयल एल्बर्ट हॉल को देखा। अच्छा। वो मलका बरतानिया के बड़े बड़े शोज, आपको डायरेक्टली उन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया बग़ैर रैसल के ना, मैं एकदम स्टेज पर आया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इतना बड़ा और पूरा ही जो था 3 फ्लोर का वो पूरा वो बना हुआ है और सारा भरा हुआ था। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले सलाम किया तो मेरी आवाज़ नहीं है, तो मैंने फिर अल्लाह से मदद, मैंने कहा या अल्लाह मदद फरमा। फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैंने सलाम किया और मैंने जब म्यूज़िक परफॉर्म किया तो ग़ुलाम अली साहब जो गज़ल सिंगर हैं वो स्टेज पे आए, कहते हैं भाई इतना अच्छा फ्यूजन इसने किया है वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ और ये बहुत बड़ी बात है, जबकि ये क्लासिकल फैमिली से है और ये यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ गाना बहुत समझदारी की बात है और बग़ैर रैसल के। पीछे वो बज रहा है म्यूज़िक और मैं उस पर माइक लेकर दौड़ते हुए गा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर कोक स्टूडियो वगैरह में भी परफॉर्म किया, इसी तरह मुल्क से बाहर भी जाते आते। अच्छा, रहते मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि आपके फोर फादर्स का ताल्लुक भी इसी फील्ड से था कि मतलब बहादुर शाह जफर के वो दरबारी गायक थे, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आगे माशाल्लाह अब तक ये चलता आ रहा है। कोई प्रेशर होता है आप लोगों पे कि भाई अगर गाना है तो फिर उस लेवल का गाना है, ये नहीं कि तुम जो आजकल के बच्चे जनाब बगैर किसी रियाजत के और बगैर किसी सीखे वो शुरू हो जाते हैं, बस यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई और जनाब सिंगर बन गए? बात थोड़ी सी तल्ख है क्योंकि म्यूज़िक जो है ना वो बेसिकली सीख कर ही गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त वो मजाक ही हो रहा है, म्यूज़िक नहीं हो रहा हम लोगों ने, पता है मैं 15 साल की उम्र में मैंने 25 साल तक अपने वालिद साहब से पूरी ट्रेनिंग ली। अच्छा। ख्याल गायकी की, ठुमरी गज़ल क्या है कैसे, और सुबह शाम रियाज करता था और इस एक सब्जेक्ट है ये, वो मतलब वो चीज़ है कि जिसको आपको सीखना पड़ता है और हम पे जिम्मेदारी, अगर हम 7 भाई हैं ना या 6 भाई हैं या 5 हैं या 3 हैं जो भी है, उसमें से चुना जाता है कि ये काम किससे लिया जाए। सबसे बड़ी बात तो कोई मैं जाऊँगी बल्कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बात समझाएं कि आखिर ये घराना जो हम स्पेशली वर्ड यूज करते हैं ना, कि जिस तरह मैंने ग्वालियर घराना कहा, इस तरह अक्सर हम क्लासिकल जितने भी गायक हैं उनको सुनते हैं कि किसी घराने से इनका ताल्लुक है, तो ये घराना किस तरह बनता है और कैसे फिर ये चूज किया जाता है और कौन आगे लेकर चलता है? अच्छा, पहले तो आपको सैरिश बहुत मुबारकबाद कि आप इतने अच्छे सवाल पूछ रही हैं। अच्छा चलें जी, बात में आपका कि मतलब इस तरह के सवाल नहीं पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हम यही पूछते हैं कि आपका वीडियो कब आ रहा है, मेरे वीडियोस भी आते रहते हैं ना, उसमें जींस पहने हुए मैं समंदर पे गा रहा हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि इस ईद पे कुछ लोग जो है ना उनको कुछ नया सुनने को मिले। अच्छा, तो ये जो मालूमात की बात है या जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है वो बात कोई नहीं पूछता, आप जो बात कर रहे हैं वो टेक्निकली लोगों को सीखने को भी मिलेगी और उनकी मालूमात में इजाफा होगा है ना? बिल्कुल। अक्सर लोग, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम ना पेट से नहीं बोलती, तुम अपने गले से बोलती हो। जो लोग उसको कहते हैं म्यूजिक की जुबान में रगी से रगी गाना कहते हैं और सीने से गाना। अच्छा, इससे ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो सम टाइम आपकी आवाज बैठ जाती है, तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपने पेट से बोलो, यानी कि नीचे से आवाज निकालो। रगी का और सीने का क्या फर्क है कि आप आवाज को दबा के बोलते हैं, कुछ सिंगर हैं प्लेबैक सिंगर हैं फीमेल हो या मेल हो और गले को दबा लेते हैं। एक गाना ऐसा होता है, जैसे एक गाना है लता जी का, एक है नूरजहां साहिबा का, एक फरीदा खानम का, तीनों की क्लास है। मुझे वो टिप चाहिए कि मैं गले से ना गाऊं, मैं नीचे से गाऊं। आप उससे ये है कि आपको फिर अपनी आवाज़ बोलने में भी ना डायरेक्ट आप अपनी आवाज़ को दबाइए नहीं। आप मुझे आप ये बताइएगा, जब आपने अपनी इस अदाकारी का आगाज़ किया था, अगर मैं अपनी बात करूँ
तो मुझे जब ये मैंने सोचा कि मैंने खबरें पढ़नी है या मैंने प्रोग्रामिंग की तरफ या न्यूज़ की तरफ आना है, तो मैं चूंकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मेरे कहीं ना झोल आता था शुरू में, तो मुझे बड़ा उस पर काम करना पड़ा कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ इस तरह का हो कि किसी को ये ना पता चले कि मेरा ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं है। आपको, आप तो खैर वैसे आई थिंक उर्दू स्पीकिंग ही है, तो मुझे ये बताएगा कि ये मेहनत उर्दू स्पीकिंग को भी करनी पड़ती है या फिर ये गॉड गिफ्टेड बस उनकी तरफ होता है कि वो कर। देखो, जो इंसान जिस तरह से गुफ्तगू बचपन से करता चला आ रहा है तो वो तो तरीका तो उसका तो वही रहता है। हर लफ्ज़ को अदा करना है, सिर्फ कहना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है। और आवाज़ खुद ब खुद आपकी जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है। फिर आपको अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं, आपको पहला अगर आप सही सुर लगा रहे हैं तो फिर आपकी आवाज़ खुद ब खुद उस सुर के साथ मिल जाएगी। तो मुझे ये बताइएगा, अब आपके ख्याल में आज के दौर का नुसरत फतेह अली खां कौन है? क्या राहत फतेह अली खां को कहा जा सकता है कि उनकी रिप्लेस कह सकते हैं? कह सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा वैसे मैं बताऊँ आपको, मुझे भी उनको सुनने के बाद लगता है कि इनका ताल्लुक उसी घराने से है जी, और कुछ कुछ वो मजा आ रहा है जो उनको सुन के आता था, लेकिन पूरा नहीं, कुछ कुछ बिल्कुल। अब मुझे अपनी कुछ खूबसूरत सी कोई भी गजल आप सुना दीजिए, क्योंकि ईद का मौका है, आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मैंने स्टार्ट में आपको अपनी गजल, उसका वीडियो आ रहा है वो मैंने आपको पेश की। अब मैं जो लेजेंड्स हैं मेहदी हसन साहब, उनकी कोई गजल के एक दो बोल सुना जरूर है ना। मुझे मुश्किल कब ये से तू न थे, बात करनी मुझे मुश्किल कब ये से तू न थे, जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तू न थे, बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करा, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करा, बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसी तू न थे। वालों की भी क्या बात है, जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप वैसे किसको सुनती हैं आपा? मुझे क्लासिकल सुनना बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। सिंगर को बताएंगी फेवरेट कौन सा आपका? मैं फेवरेट वगैरह मेरा कोई नहीं होता, जो अच्छा गा रहा होता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा। अजीज होता है। चलें जी जनाब, ईद का खास मौका है, बड़ा मजा आ रहा था, मेरा दिल तो चाह रहा था कि ये नशिस्त यूं ही चलती रहती, और भी बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। तो मैं आप दोनों को दिल से ढेर सारी ईद की फिर से मुबारकबाद दूंगी, हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ जाएंगे, और मुझे दुआओं में आप दोनों याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जाके भाई अभी तब गोश्त भी तो संभालना है, गोश्त भी संभालना है जनाब, तीन दिन ही चलती है, गोश्त भी संभालेंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। This cooking segment, Eat Special, is powered by Orla Spicy Tikka, जो है spicy और smoky flavors का perfect combo. Is sponsored by New Dalda Stand Up Pouch, easy to pour, easy to cook, a standing ovation to mothers.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ असद। आज आपके साथ फिर मौजूद हैं बोल के जायके में, और आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पहले दिन लंच में स्पेशली पुलाव बनता है, फिर बिरयानी भी बन जाती है, फिर बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इसीलिए हमने फर्स्ट डे आपको कलेजी बनाना सिखाई। आज मैंने सोचा क्योंकि गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सा होना चाहिए, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बर्मीज नूडल्स। और ये बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी है, और इसी तरह बर्मीज पुलाव भी बनता है, तो आज ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लवाजमात आप देख रहे हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इंतहाई मज़ेदार, और कोई भी ऐसी चीज़ आप कह लें कि नहीं है जो घर में अवेलेबल ना हो। और ईद पे तो ग्रॉसरी जब आप करते हैं तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी हम ले लेते हैं। तो आज सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अच्छा, इसके तीन स्टेप्स हैं, ठीक है। एक स्टेप जिसमें हम कीमा बनाएंगे, सेकंड स्टेप हमने जो हमारे पास आलू हैं उनको हम फ्राई करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसकी लेयर्स लगाएंगे, और इस तरह से हमारी आज की ये बर्मीज जो नूडल्स हैं वो होंगी तैयार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना जो कीमा है उसको हमने तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कीमा। अब कीमे में हमने यूज़ करना है जनाब प्याज क्रश किए हुए ऑमलेट स्टाइल में, उसके बाद नमक यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, धनिया पाउडर होगा इस्तेमाल होगा, ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, दही का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम रेडी करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास स्पेगेटीज मौजूद हैं जो कि मैंने बॉईल करके रख ली हैं, और स्पेगेटीज को जो है हम क्या करेंगे, इसको भी हम सिरका और सोया सॉस में थोड़ा सा सौते करेंगे, ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ सौते कर लेंगे, कीमा तैयार करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास चिप्स मौजूद हैं, यानी कि आलू के चिप्स हमने कट कर लिए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। तो और उसके अलावा हमारे पास कीमे में ही हम यूज़ करेंगे टमाटर और शिमला मिर्च। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, और अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जनाब हम करते हैं फ्राई, जो हमारे चिप्स हैं उसको हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। और जब फ्राइंग की बात आ रही है तो आप देख रहे हैं मेरे पास ज़बरदस्त से सैंडी पाउचेस मौजूद हैं, और ये हैं जनाब डालडा के। डालडा ने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है आपके नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि बहुत हेल्दी है, और हेल्दी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें हैंडी बहुत है। बहुत ही सिंपल वे में आपने इसको यूज़ करना है, और उसके बाद आपकी सफाई से सुथराई से आपका ऑयल भी निकल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये देखिए बेहतरीन, और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे लगी है वो ये कि आपका ऑयल किसी भी बॉटल में हम जब ऑयल डालते हैं या रखते हैं तो यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और वो फिर नीचे हमें कोई चीज़ रखनी पड़ती है ताकि आपका जो है ऑयल नीचे सरफेस पे ना आ जाए। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त जो है डालडा के ये पाउचेस आए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है जिसमें हम अपने जो चिप्स हैं उनको हम फ्राई करेंगे, और हम आ जाएंगे अब अपनी कुकिंग की जानिब, जो कि हम बनाएंगे जनाब कीमा, ठीक है। तो कीमे के लिए फ्लेम ऑन किया, और इसमें हम शामिल करेंगे डालडा का अगेन कुकिंग ऑयल, और ये हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब, ठीक है जी, 1/4 कप के करीब हमने ले लिया डालडा का कुकिंग ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे, और उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये जो हमारे पास प्याज मौजूद हैं ये प्याज डाल देंगे, और प्याज को जो है थोड़े से प्याज में रोकूंगा, ठीक है, इसको हम ऊपर से डालेंगे, बाकी को हमने सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, इसको हमने कलर नहीं देना, जस्ट हम इतना इसको सौते करेंगे कि ये सॉफ्ट रहे, हो जाए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसका आगे फर्दर इस काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑयल जो है वो भी गर्म हो रहा है, और टमाटर हमने ऑलरेडी चॉप कर लिए थे, और शिमला मिर्च जो है उसको हम कर लेंगे चॉप, और शिमला मिर्च जो है बिल्कुल उसी तरह लाइक छोटे स्टाइल कट में हम कट कर लेंगे इसको लाइक चंक्स में, ताकि नूडल्स या स्पेगेटी या मैक्रोनी जब हम बनाते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें कोशिश किया कीजिए जो कटिंग है वो बहुत
बाइट साइज छोटी होनी चाहिए, चंक्स में होनी चाहिए ताकि वो इजीली जो है आप खा सकें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मंचूरियन हम बनाते हैं या चाउमिन हम बनाते हैं तो उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो फिर सारी की सारी लंबाई में कटती हैं, तो इसमें आपने बस छोटे आपने छोटे छोटे डाइस कटिंग कर लीजिए या फिर इसको मिनीचर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी कर लिया डन, और यहाँ साथ ही साथ ऑयल को भी चेक कर लेते हैं। अभी ऑयल हमारे पास ज़रा गर्म नहीं हुआ है। चल, जब तक हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है हमने अपनी शिमला मिर्च जो है वो रेडी कर ली है। अच्छा, ईद के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि बहुत सारी झटपट रेसिपीज़ हैं जो आप बना सकते हैं, स्पेशली जैसे ही गेस्ट आ जाएं तो कोशिश होती है कि गोश्त का कोई ना कोई आइटम बनाएं। तो मैं एक आपको और झटपट जो है रेसिपी बता देता हूँ कि आपने जो है कीमा लेना है, ठीक है, और आप कह लीजिए कि कीमा आप ले लें मशीन का, उसके बाद आप उसमें डालेंगे नमक, लाइक एक किलो कीमा है तो उसमें आप हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे अपने हिसाब से, उसके साथ ज़ीरा साबुत ज़ीरा डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है, उसके साथ आप डालेंगे उसमें अनारदाना तकरीबन 3 खाने के चम्मच, चाट मसाला आप डालेंगे 2 खाने के चम्मच, ठीक है, खटाई पाउडर आप डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच, उसके साथ धनिया पुदीना हरी मिर्च शामिल करके बस उस कीमे के साथ आप उसको चॉप कर लें, उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, ठीक है, 2 अदद अंडे डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करके अब ये कीमे का जो मिक्सचर है आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऑयल आपने लिया और इसको स्पून की मदद छोटे छोटे से पकोड़े टाइप आपने डालना शुरू कर दिए, तो मिन्स फीटर्स बहुत ही ज़बरदस्त से आपके ये तैयार हो जाएंगे। और इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर आप इसको केचप के साथ किसी की चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी हो जाएगी तैयार। अच्छा, प्याज जो है वो हमारे पास आप देख रहे हैं सॉफ्ट होना शुरू हो रहे हैं, अब साथ ही इसमें मैं डालूँगा तमाम स्पाइसेस, ठीक है, तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के साथ ही ये हम डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है, और उसके साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑलमोस्ट सारी चली जाएगी, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, और नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें दही, थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लें। चलिए, दही चला गया है। अच्छे से अब आपने इसका मसाला ज़रा भूनना है, ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे ये पुदीने के पत्ते जो हमने कट करके रखे हुए हैं और हरा धनिया, चल ये हम डाल दिया, ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे, और दूसरी जानेब हमारे पास जो आलू हैं वो हम ऐड करना शुरू करते हैं। फ्राइंग के लिए, ठीक है जी, डालडा कुकिंग ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लेना है और इसको खूब अच्छे से हमने इसको क्रिस्पी कर लेना है। चल, ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये रेडी होगा हम क्या कर रहे हैं, अब ये टमाटर और उसके साथ शिमला मिर्च ये हम अपने मसाले में डालेंगे। अच्छा, मसाला आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा हमारे पास ये तैयार हो गया मसाला, और अब मैं ये टमाटर और शिमला मिर्च, अच्छा थोड़ी सी आप देख रहे हैं मैंने टमाटर शिमला मिर्च रोक ली है, ये हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग में, ठीक है, तो ये हम रोक लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे कीमा। चलिए जी, कीमा हमने ऐड कर दिया,
और अब इसको हमने बस अच्छे से भून लेना है ताकि कीमा हमारे पास मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये खाली आप लाइक ये ही कीमा जो रेसिपी है इसको आप हाथ के कुटे कीमे में भी बना सकते हैं और ये ख़ुद एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, स्पेशली नाश्ते में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बस हमने कीमे को भूनना है। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्पेगेटी हमने यहाँ बॉईल करके रखी है उस स्पेगेटी को हमने क्या करना है, सिरका और थोड़ा सोया सॉस के साथ उसको हम फ्राई करेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे। और कीमा हमारे पास हो रहा है डन। थर्ड स्टेप भी हमारे पास तैयार हो रहा है जो कि हमने चिप्स जो है उसको फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद इसकी हम लगाएंगे लेयर। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन सा हमारे पास कीमा, आप जानते हैं फटाफट से डन हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चॉपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर अच्छा, अब आपकी चॉइस है, लाइक थोड़ा सा अगर आपको स्पाइसी खाना है तो बर्मीस जो आप कह लें कि उनका जो फ्लेवर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान से रिजेंबल करते हैं क्योंकि उनके खानों में भी स्पाइसी काफ़ी स्पाइसी होते हैं। और यहाँ पर जैसे आप आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हर जगह आप देखते हैं खाउसे, ठीक है ना, और हम मेमनी खाउसे कहते हैं लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है खाउसे की वो है बर्मीस खाउसे होते हैं। और वो उनकी जो कड़ी होती है वो होती है कोकोनट के दूध में, ठीक है। हम लोग तो दही वाली कड़ी बना के खाउसे आजकल प्रेजेंट कर रहे हैं हर कोई, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बर्मीस स्टाइल में बनती है और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर होता है। और कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर चॉप कर ली है, प्याज हमारे पास ऑलरेडी ये हमने चॉप किए हुए हैं, ठीक है। टमाटर और शिमला मिर्च भी हमने रेडी कर लिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसको भी हम चॉप कर लेते हैं, ये सब हमने गार्निशिंग में यूज़ करना है। इनफ, ठीक है, ये हमने बहुत है। कीमा हमारे पास बिल्कुल तैयार है और इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्का सा सॉसी रखना है, ठीक है। और टमाटर जो है वो भी इसी तरह इसमें हल्के हल्के से बस आपने इसको मैश करना है, बिल्कुल आपने इसको पेस्ट नहीं बनानी, ठीक है। हल्का सा इसको आप बस मैश कर दीजिए। शिमला मिर्च का फ्लेवर, टमाटर, पुदीना और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। चलिए, चिप्स भी हो रहे हैं तैयार। अच्छा जी, थर्ड स्टेप के लिए पैन लेंगे और इसमें हम अगेन डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हम डालेंगे जस्ट एक से दो खाने के चम्मच, ठीक है। ये जस्ट 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया और अब इसमें हमने अपने नूडल्स जो हैं उसको डन करना है। और इसके लिए हम ले लेते हैं ये हल्का सा लाइक 1 टी स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, खाली गार्लिक भी ले सकते हैं, चॉप किया हुआ गार्लिक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी करना है तो आप इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम सिंगापुरियन राइस में करते हैं। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए।
चिप्स भी हमारे पास रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब इसके जो हमारी आज की रेसिपी है बर्मीज नूडल्स, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए रेसिपी कार्ड आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। और ये देखें, ये इसकी शक्ल आ गई है, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने इसको टमाटर जो है इसको हल्का हल्का सा बस मैश करना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी है। और इसमें कीमे में जो है ये थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, ये देखें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, नूडल्स को हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने ऑयल लिया, डालडा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच, और उसमें हमने शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, नूडल्स डाल के उसको सौते कर लिया। ये हमारे पास तैयार हो गई। यहाँ पर हमारे पास चिप्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। इसको आप क्रिस्पी ना भी हो, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स लगानी है, वैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से बस पक जाने चाहिए, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ऑलमोस्ट ये भी तैयारी पर है। फ्लेम मैंने कीमे का ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने लेना है कीमा। कीमे की आप लेयर लगा दीजिए। ठीक है, नीचे एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद अब हम इस पर लगाएंगे ठीक है जी स्पेगेटी लगाई, उसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। उसके बाद अब इस पर हम रखेंगे फ्राइज। ठीक है, इस तरह से फ्राइज को फैलाइए। अच्छा, फ्राइज आप देख रहे हैं कि जो है मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है। याद रखिएगा हमेशा कोई भी जब फ्राई आइटम कर रहे हैं तो जब तक सारे फ्राई आइटम निकल ना जाएं, जब तक फ्लेम आप ऑफ ना करें। जैसे ही आप फ्लेम ऑफ करेंगे और फ्राई आइटम जो है वो ऑयल सोक करना शुरू कर देता है, ठीक है, और आपकी चीज़ सॉगी हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, पहले सारी की सारी चीज़ें इसमें से फ्राई आइटम निकाल लें और उसके बाद फिर आप इसको ऑफ करें। चलिए, ये ऑलमोस्ट हमारे पास तैयार है, कुछ रह गए इनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आपने ऑयल का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी टेम्पटिंग हमारी डिश लग रही है, लेकिन अभी एक लेयर हमने इसमें और लगानी है। तो ये हमारे पास रेडी है। अब हम अगेन इस पर डालेंगे अपना कीमा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कीमा हम रोक लेंगे फाइनल ऊपर के लिए। उसके बाद स्पेगेटी, ठीक है, और अब इसके ऊपर अगेन धनिया, थोड़ा सा पुदीना, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, उसके बाद फ्राइज। अच्छा, फ्राइज में मैंने वेलकम बैक नाज़रीन,
और इस वक्त बड़ी जबरदस्त फिल्म की कास्ट मेरे साथ बैठी हुई है। फिल्म रिलीज हो चुकी है, सिनेमाओं में लगी हुई है, ईद का मौका है, तफरी चाहिए और ऐसे में कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ हम खाबे शाबे खाने के बाद मूवी देखने न जाएं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोश्त वोश्त बट चुका है, बकरा कट चुका है, अब करनी है इंजॉयमेंट। तो इंजॉयमेंट में जो मूवी है ना, उसका सेशन बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है मेहमान, बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मदारी इनकी मूवी है जो कि रिलीज़ हुई है। पारस मसरूर मेरे साथ मौजूद हैं और इबाद आलम शेर साहब हैं, ये जनाब हीरो हैं इस मूवी में, हैं कमज़ोर से लेकिन शेर हैं, मैं आपको बता दूं तो आपने इजी नहीं लेना इन्हें। अच्छा वैसे हम लोग अक्सर ना वो कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करते हैं, जितने कमज़ोर लोग होते हैं ना ताकत उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जो ढीले होते हैं ना वो गिरते रहते हैं। इस तरफ आसिया आलम हमारे साथ मौजूद हैं और वन एंड ओनली सिराज साहब, जिनकी ये प्रोडक्शन भी है, इन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। तो ये मूवी मैं इनसे पूछती हूँ कि मैंने भी देखी नहीं है, मैं क्यों देखने जाऊँ? सिराज साहब पहले आप बताएं। ये हमने आपको पहले ही कहा था, आपको मैं भूल गई, अब दोबारा बताएं। आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अपनी कराची की कहानी है, पाकिस्तानी कहानी है, बड़ी ओरिजिनल कहानी है और ये बॉलीवुड या हॉलीवुड का कोई मिक्सचर नहीं है। अभी आपको वो सुन रहे हैं जिन्होंने आज देखने जानी है। बिल्कुल, तो जिन्होंने नहीं देखी हो बिल्कुल जाएं और देखें इस मूवी को और बिल्कुल एंजॉय करेंगे और उनको एक अपनी ओरिजिनल पाकिस्तानी फिल्म ये कहला सकती है। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब यंगस्टर्स का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, अब वो गंडासे और घोड़े और वो बड़ी बड़ी क्लाशनकोव और ये लंबी मूछे लाचे, उससे हम थोड़ा बाहर निकल आए, अब सोशल इश्यूज़ पे कुछ फोकस किया जा रहा है, एक मैसेज आवाम को दिया जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट बन रही है। और ये मूवी स्पेशली मुझे याद है क्योंकि पहले भी मेरे मेहमान रह चुके हैं, तो मुझे ये पता है कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। इसमें मेरी ना पारस से काफ़ी बहस हुई थी कि क्यों नहीं है, मज़ा नहीं आता, तो उन्होंने कहा था कुछ देख लें आप बगैर किसी ना आइटम सॉन्ग के भी मूवी देख लें। तो आसिया आपका करेक्टर क्या है? देखिए मैं इनकी वाइफ हूँ, पारस की और इबाद की चाची। अच्छा। और इसमें ऐसा है कुछ के जैसे ज़ाहिर बीइंग अ हाउस वाइफ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे अपने कुछ फेयर्स हैं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। अफेयर्स तो नहीं है ना? नहीं, मूवीज में ऐसा होता है। अमूमन चाचियों का ही दिखाते हैं। असल में नहीं होता लेकिन मूवीज में होता है। मूवीज तो बनती है असल मौजरे की। लेकिन नहीं नहीं, हमारी कुछ मूवीज हैं, कुछ ड्रामा हैं हकीकत से बहुत दूर होते हैं। अभी हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि एक लड़की आई किसी शादी में, किसी विलन की बहन या कजन, उसने आके हीरोइन के बाप को कुछ कह दिया और उनको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ये चीजें होती हैं कि चलो शुक्र है। मगर वैसे आपने आइडियाज दिए हैं इनको और अब मेरे से बात होगी इस प्रोग्राम के बाद की, अफेयर्स वाला जो आपने बताया नई स्टोरी बन सकती है। अच्छा वैसे मेरे मुझे ये बताइएगा, अच्छा आप मुझे अपने करेक्टर के बारे में बता रही थी, आप चाची हैं इबाद की और वाइफ है पारस की, तो आपका रोल क्या है इसमें? मतलब जैसे इसमें कैरेक्टर ये है कि जहर सख्त वाली चाची है, अच्छी वाली है, उसमें लेकिन जाहिर है हम लोग समझे कि एक सब्सटैंशियल कैरेक्टर्स हैं जो कि इबाद के इर्द गिर्द जिनकी कहानी घूम रही है। और मतलब जाहिर है मतलब अब मेरे जैसे इस तरह का होता है कि मैं एक जाहिर जिम्मेदार वाइफ हूँ, लॉयल वाइफ हूँ, और फिर मेरी उसमें क्या जिम्मेदारियां हैं, फिर मैं क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ, मेरे फेयर्स मेरे बच्चे को की वजह से मतलब कुछ होंगे यकीनन, मैं कुछ सोच होगी मेरी, वो सब इस फिल्म में आपको यानी कि एक इमेज दिखाया गया कि घरेलू खातून जो कि अपने घर में वफादारी के साथ अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है, उसे क्या कुछ फेस करना पड़ता है। अच्छा पारस मुझे आप ही बताएंगे, नापा में माशाल्लाह आप टीचिंग भी करते हैं और कई ड्रामों में आपने काम किया है, थिएटर के आप स्टार हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है मदारी का? सिखाया आपने बाकियों को जो नहीं सीखे नापा से, या फिर बस खुद ही करके दिखाया? नहीं, पहले तो मैं सोच रहा था आप वहाँ देख के बात कर रहे थे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मेरा कैमरा वो है, मुझे आदत है उसमें देख के बात करने की। ठीक है ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2005 में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में इनरोल किया था और तब से जो है अब तक अदाकारी कर रहे हैं, सीखा 3 साल डिप्लोमा के बाद प्रैक्टिकली जब शुरू हुआ, तो बहुत लंबा जर्नी है और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मेरे बैचमेट हैं अली रिजवी, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, वो भी एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके काफ़ी ड्रामास वगैरह आपने देखे होंगे। तो मदारी से पहले उनकी एक कौन सी फिल्म थी जो मोहसिन ने की थी, छुपन छुपाई, उसमें भी थे वो। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार सा कैरेक्टर किया था और बड़ा काफ़ी लोग उनको जानते हैं बाय फेस, शायद आपको अभी याद ना आ रहा हो। तो वो हम और वो काफ़ी टाइम हमने साथ गुजारा, काम किया, भाइयों की तरह है वो,
तो उसने मुझे बताया कि मैं सिराज सालिकीन है और वो जो है एक फिल्म उसके पास स्टोरी है और मैं भी उसके आपका साथ रोल क्या है इसमें तो काम क्या बने क्या हुए अभी बता रहा हूँ ना उधर ही आ रहा हूँ ना तो वो मैं पहले बता दूँ ना कि ये भाई साहब जो हैं इन्होंने अली ने बताया कि ये फिल्म बना रहे हैं और स्क्रिप्ट है और ये आप देख लें तो जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा कहानी भी ज़बरदस्त है और तमाम अदाकारों के बारे में जब अली ने बताया कि भाई हम उन अदाकारों को ले रहे हैं जो थिएटर में ऑलरेडी अपना लोहा मनवा चुके हैं तो फिर जब नाम लिए उन्होंने इबाद आलम और हमाद सिद्दीक और आसिया तो मैंने कहा ये तो यार बहुत अच्छा वेंचर होगा सही। तो मेरा किरदार इसमें इनके चाचा का है अच्छा और चाचा करते क्या है चाचा करते क्या है दर्जी हैं दर्जी है लो ये जो इन्होंने अभी पहले बोला ना कि सिराज ने मुझे फिर सोचा कि मैं इसको लूं फौरन मैंने इमेजिन कर लिया कि सिराज ने इन्हें किस रूप में देखा है तो मैंने फौरन से ना जज्बाती होकर पूछा कि कैरेक्टर क्या है आपका कैरेक्टर बताएं आप क्या है तो दर्जी है मुझे लगता है आपको पुलिस इंस्पेक्टर का रोल ज्यादा सूट करेगा मुझे रखी हुई है मुझे रखी हुई है आपने दूसरा आपकी जो शख्सियत है कुछ सीरियस लगती है मुझे तो मुझे लगता है कि आप एक इंस्पेक्टर का रोल अच्छा कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ मैं और मैं बहुत ही तफरी वाला आदमी हूँ सेट पे क्या तफरी की आपने मुझे बताया सेट पे तफरी बस जो होती है उस वक्त की वो यही लोग बताएंगे मतलब काम के वक्त मैं तफरी कम करता हूँ अच्छा। काम के बाद बहुत तफरी करता हूँ तो फिर लोगों को तंग करना छेड़ना छाड़ना करता हूँ लड़कियों को तो नहीं छेड़ते लड़कियाँ मुझे छेड़ती हैं लड़की आपको छेड़ती है मूंछों से डरती नहीं वो नहीं मैं हुई नहीं ऐसा ये आप मुझे धोखा खा रही है मूंछें देख के ये मेरा कैरेक्टर है शादी आपकी हो चुकी है हाँ फिर इसीलिए आप खुश होते हैं कि लड़कियां आपको छेड़ती हैं शादीशुदा मर्द बहुत खुश होते हैं उन्हें लड़कियां छेड़ें नहीं मैं तो शादी से पहले भी मुझे छेड़ती शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है मेरी लव मैरिज है ऐसे यानी कि छेड़ गए फिर आप किसी से ना हाँ मतलब एक्टर जो है ना मैं जेंडर बायस नहीं हूँ मैं हम जो है ना ऐसे खाली एक जैसे हवा चल जाए हमें कुछ मसला नहीं है हम जो है जुड़े हुए लोग हैं नहीं ऐसे ना तो देखिए अट्रैक्शन होती है वो कुछ चेंज होता है तो ही होती है क्या बताऊं हो रही है मैं क्या बताऊं आपको अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर आसिया इतने लाल लाल कपड़े अल्लाह हू अच्छा जी चलो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि वाकई ये ना इनके अंदर एक शरारती इंसान है वो होता है हर एक्टर जो है ना उसके अंदर एक बच्चा होता है हाँ, ये तो वो बच्चा अच्छा, जो है उसको जिंदा रखना चाहिए वो जिंदा रहना हाँ। चाहिए नहीं तो फिर हम जो है लेकिन मौका माहौल मुनासिबत देख लेनी चाहिए वरना बाजू का उल्टा भी पड़ जाता होता है हाँ, तो संभाल लेते हैं इम्प्रोवाइजेशन आती है अच्छा चले जी अब आ जाते हैं बात की तरफ बात हीरो इतने चुप करके इतने बैठे नहीं हीरो को तो हर वक्त एक्शन में होना चाहिए ना हाँ हाँ अब मैं हर वक्त एक्शन नहीं कर सकता नहीं नहीं ये जरूरी है खासतौर पर जब आप किसी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं ना तो आजकल के हीरोज हैं जनाब वो ये कॉलर ऊंची जी बड़ा बन के बोलते हैं लेकिन ये बात ये बन के बोलेंगे अच्छा बोलेंगे अभी ये फिल्म आ जाए जरा फिर जरा छा जाए मतलब फिल्म आ गई आ गई आ तो गई मतलब उस तरह से लोगों लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ना अच्छा, तो जब ओके कैरेक्टर का नाम क्या है मेरे कैरेक्टर का नाम हारिस करती अच्छा हारिस के चाचा दर्जी हैं अब्बा कहाँ थे जो चाचा के साथ ज्यादा अटैचमेंट आपकी हुई इस मूवी में यही तो देखना है इसकी तो स्टोरी है अच्छा ओके ओके चलो जनाब अब ये मैं इनसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब की कॉल आ गई है कि ब्रेक ले लें और ब्रेक से पहले मैं ये बता दूं कि दर्जी है लेकिन वो पता है दिखेगा नहीं आपको कि वो दर्जी दिखेगा नहीं और जादू भी है इसमें चले क्यों नहीं दिखेगा अभी ब्रेक के बाद बातें करते हैं बड़ा मजा आ रहा है जनाब मेरे साथ कास्ट मौजूद है मदारी की अगर आपने नहीं देखी तो आज ही जाएं आपको कास्ट की बातें सुन के अंदाजा हो गया होगा कि फिल्म बड़ी जबरदस्त है ये क्योंकि सारे ही माशाल्लाह से थिएटर के स्टार्स हैं तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने कमाल दिखाया होगा के बाद आपने नहीं देखी तो आप हमारे साथ चलें मैं जरूर आपके साथ चलूंगी बिल्कुल देखूंगी तैयारी मेरी पूरी है तो एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्टे विद अस वेलकम बैक नाजरीन चूंकि ईद बड़ी है और पकवानों की भरमार होती है पार्टी हम लोगों की शुरू हो चुकी है क्योंकि हमारे सामने खाना तो हम यकीनी तौर पर खाएंगे ही मीठे का इंतज़ाम ना हो तो मज़ा नहीं आता कुछ नमकीन के बाद तो इस वक्त खालिद स्वीट्स का केक हमारे सामने है इसके साथ मिठाई भी है जिसको मिठाई पसंद है वो मिठाई खाएगा जिसको केक पसंद है वो केक खाएगा क्या पसंद है आप लोगों को केक या मिठाई दोनों मीठे के शौकीन है आप लोग ज्यादा नहीं है लेकिन अमूमन स्टार हजरात जो होते हैं ना वो जरा डाइट कॉन्शियस होते हैं मीठा कम खाते हैं मैं वैसे मीठा कम खाता हूँ अच्छा कम ही खाता हूँ मीठे ज्यादा शौक भी नहीं है नहीं शौक आसिया आपको मैं तो खा लेती हूँ
खा लेती हैं, इसका मतलब है हम मिलके फोड़ेंगे ये केक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले जनाब, अच्छा मुझे मतलब बताएंगे ईद कैसी गुजरती है आप लोगों की? पहले आसिया आप बताएं क्या करती हैं घर में ईद पे? देखिए ईद पे वैसे तो जैसे अभी तो हमने आपको बुला लिया, अब क्या करेंगी जाके? अब नहीं, जैसे कुर्बानी वगैरह हो चुकी है और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर हिस्से बनाने होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, उसके अलावा फिर जो काम बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये है कि दावतें, दावतें जाना भी और बुलाना भी, हाँ। दोनों तरह से ना। वो वाले मेहमान तो नहीं है जो किसी रिश्तेदार के आने से पहले उसके घर चले जाते हैं, ये ना आ जाए? हाँ ये हो जाता है कभी कभी। अच्छा सिराज काफी खामोश बैठे हुए, सिराज कलेजी पसंद है, खाते हैं ईद पे? सबसे पहले कलेजी ही, सबसे पहले कलेजी, लेकिन अगर उसकी स्मेल खत्म हुई हो तो फिर मजा आता है, वरना नहीं। हाँ हो जाती है, चटपटी हो, अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, अम्मी अच्छी बनाती है। तो क्या जाते हैं खुद से मंडी शंडी, जानवर लेके भी आते हैं? कुछ शौक है टहलाने का फिर कटवाने का? है, लेकिन अब वो साल जिस तरह वो गुजर रहे ना कम हो रहा है थोड़ा। अच्छा हाँ, पहले बहुत ज्यादा था, फेम मिलता जा रहा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मसरूफियत होती है तो इसलिए ज्यादा मंडी भी इतना नहीं जाते, करीब से अच्छा। कोई हाँ यहीं से ले लेते हैं। पारस आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं ईद पे? क्या होता है? अच्छा। हमारे यहाँ हम भाई और अब्बा हम सब मिलके घर में हम एक वैसे बकरे भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ज्यादातर बच्चियां। अच्छा, कुछ लड़के इतने जज्बाती होते हैं कि वो ज़िबा भी खुद करवाते हैं साथ, खाल वगैरह भी। मुझसे नहीं हो पाता असल में, हमारे साथ ये भी रहा कि हमने खुद अपना कैटल भी पाला और बचपन से जो हमने बकरे बड़े हुए हमारे सामने और हमने उनको खिलाया पिलाया, देखा जा सकता तो उनको जब वो उनके नाम भी रखे हुए थे और उनको जब पाल पोस के हमने बड़ा करके जब वो टाइम आता जवान कर दिया, जब वो टाइम आता था जब आता है जब आप कुर्बानी करते हो अपने उस जानवर की जिसको आपने दिल से बचपन से उसको पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे रोना आता है, मैं अंदर चला जाता हूं, मैं कहता हूं आपके। अच्छा ये अक्सर वैसे तो खास ज्यादातर तो बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, उनके बड़े तो इस बात पे भी खुश हो रहते हैं कि गोश्त बड़ा निकलेगा, देखो मैंने पाला था इसको। तो हुआ ये कि वो जो बकरा था वो मेरा बड़ा फेवरेट था, तो भाई ने कहा आ जाओ, वो जरा हिम्मत वाला आदमी है, तो उसने जो है ना उधर उसको काटा है तो वो वीडियो बना के मुझे भेज रहा है, मैंने फौरन वीडियो बंद कर दी, तो थोड़ी देर बाद उसकी फड़कती हुई रान लाके मेरे सामने रख दी, तो वो रान उस वक्त जो है ना ऐसे ऐसे लरज रही थी और मैं उसकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगा। वो कहते खाओगे तो तुम, जब पकेगा तो तुम खाओगे, लेकिन वाकई में जब खाया तो कुर्बानी के जो जानवर के जो वो टेस्ट होता है ना गोश्त में, अच्छा बात और वो हीक वीक कुछ भी नहीं होती, कुछ हीक नहीं, मुझे शक्ल याद आती रहती है। बस वो है बात, वो बात है। अच्छा अच्छा बात आप बताइएगा, आप क्या करते हैं अभी ईद पे, क्या करना है जाके घर पे? बकरा काटा, बच्चिया काटी, क्या किया? गिरा दिया, अब तो निमट गया, बच्चा था बच्चिया, तो अब क्या मतलब होगा, क्या बांटने भी जाते हैं रिलेटिव्स के यहाँ या बस? हाँ बिल्कुल जाते हैं, जहाँ जहाँ जाना हो, पर मेरे हिस्से में जरा कम ही काम आता है, बाकियों के हिस्से में। अच्छा मुझे ज्यादा खुशी इस बात की होती थी कि अब ये जब बटेंगे ना सबके घर जाके मुलाकातें, अलग अलग दावत सबके, हाँ बस अब ये निमट जाए, एक घंटे में पहुंचने हमने को टाइम दिया है कि हमारे हिस्से। चलो मेरे पास आप लोगों के लिए एक रैपिड फायर है, सवाल आते हैं जिनका जल्दी जल्दी आपने जवाब देने। शाहरुख खान या शान? शान, शान अपना हीरो, अपना स्टार। बस वजह बता दे। वजह यह है कि उसने बहुत मेहनत की, फिल्में की हैं, अच्छा उनके जो पर्सनैलिटी है वो मुझे शाहरुख से ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी वैसे शाहरुख तो सभी बोलते हैं ना, रिवायतन सभी बोलेंगे, सभी का फेवरेट है वो, तो शान बोलूँगा मैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान। लॉलीवुड या हॉलीवुड? लॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड 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 हॉलीवुड, मुझे पता था अगर बॉलीवुड होता तो ये हॉलीवुड लॉलीवुड बोलते। नहीं आपने कहा लॉलीवुड या हॉलीवुड, अगर मैं बॉलीवुड बोलती तो फिर आप क्या बोलते? लॉलीवुड या बॉलीवुड बोलती फिर क्या कहते? फिर लॉलीवुड कहते हैं। फिर लॉलीवुड कहते हैं, यानी कि फिर पेट्रियोटिज्म भी आ जाता है ना साथ में। हॉलीवुड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उन्हीं का ही काम है, फिल्में बनाना असल काम तो उन्हीं का। तो डॉक्यूमेंट्री जैसी बनाते हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि काम कैसे किया। फिर वो तो कोई बेवकूफी होगा जो ऐसे 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 ऑप्शन पे लॉलीवुड बोल देगा जहाँ आप हॉलीवुड का ले रहे हो ऑप्शन। लाहौर या कराची? लाहौर, लाहौर है, लाहौर लाहौर है, बाकी कराची बस कहते बस 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 ठीक है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करती ना। अच्छा जी शबनम या बाबरा शरीफ? बाबरा शरीफ। वजह? बहुत प्यारी हैं वो, क्यूट है, अभी भी वैसी की वैसी, और उनकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चले जी रीमा या मीरा, इबाद आप बताएं। रीमा। वजह? ऑप्शन तो देखें, ऑप्शन एक्सप्लेन करें ना आपने क्यों इसको चूज किया, मतलब वजह क्या थी? मीरा भी मैंने इर्तजा नाम है उनका, फिल्मी नाम मीरा, देन ठीक है फिर मीरा। बयान ही बदल लिया। अच्छा मदारी या मौला जट? मदारी। अच्छा अपनी मूवी है, बच्चे ने अपनी मूवी का नाम लेना था, सही बात है ना। अच्छा चले मुझे ये बताइएगा
मैं आप अपनी तरफ से भी पूछती ना आपसे, ये तो प्रोड्यूसर साहब के कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे पूछ लिए है। पहले बल्कि आपकी तरफ आ जाते हैं दोबारा से। जी जी। माहिरा खान या मावे शायात? मावे शायात। वजह? मावे शायात में एक्स फैक्टर जो है ना वो कूट कूट के भरा है, शी इज वर्सटाइल एंड शी हैज दैट करंट वाला जो उनके अंदर है। माहिरा मेलो हैं, खूबसूरत बहुत हैं, लेकिन जो एक्टिंग के हवाले से भी और बाकी जो उनका स्टाइल है तो वो मुझे ज़्यादा मावे शायात समझ में आता है कि वो भरपूर है उनके अंदर टैलेंट। अच्छा ये वाला सवाल मेरा ख्याल है सिराज साहब की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा लिखता है, प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है तो उसकी नज़र एक और ही होती है। आप किसको चूज करते हैं अगर आपको तो दो ऑप्शंस मिलते हैं? कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि किस हवाले से कास्ट। अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों, मुझे दोनों, मैंने काम भी किया दोनों के साथ, लेकिन चूज करें ना फिर आप। अभी आपको मुश्किल में ना डालें तो मजा कैसे आएगा। माहिरा कहूंगा मैं। माहिरा खान। अच्छा वैसे मोस्टली लोग माहिरा खान को पसंद करते हैं, मुझे लगता है अगली फिल्म में उन्होंने सोचा हुआ है कोई कैरेक्टर कराएंगे। अच्छा अच्छा रीमा या मीरा? रीमा। इन्होंने भी रीमा ही कहा, एक्टिंग प्यार से बोला है ना, आप देखें एक्टिंग जितनी मैंने देखी, आंखों में मोहब्बत देखें आप। रीमा उन्होंने ऐसे नहीं बोला, बहुत शरीफ इंसान लगते हैं। है तो दिल नहीं है उनका? नहीं दिल तो है, कुछ लोग छुपे रुस्तम होते हैं, सिराज साहब जो है ना ये लगता है उन्हीं में से है। आपने देखें, आपने पूछे मुझसे, आप मुझसे पूछे मैं सिराज हूं, पूछे ना रीमा या मीरा। रीमा ऐसे बोला मैंने, आंखों में मोहब्बत थी। अच्छा चलो बात तो इनकी ठीक है, मुझे कुछ कुछ ठीक लग रही है, बाकी इन दोनों ने काम ज्यादा किया, एक दूसरे को ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा कोई इन्होंने हमें हिंट नहीं दिया आज तक, मैं वैसे ही कह रहा था। इन्होंने बड़े दोस्त दोस्त के कांटों में ना, कांट कहते हैं ना, कांट पर्दा भी डालते हैं। वहाँ क्या करेंगे हम, वो तो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, हम दूर से देख के यूं कर सकते हैं। अच्छा चलिए मुझे बताइएगा, शबनम या बाबर शरीफ, आप किसको चूज करेंगे? मैंने तो उतना देखा भी नहीं है तक काम, बट बाबर शरीफ देखा है। हाँ आप भी उनकी क्यूटनेस पे। हाँ चले जी ठीक है, अब आ जाते हैं आसिया की तरफ। आसिया हुमायूं सईद या फवाद खान? दोनों। एक चूज करना, ये कोई बात नहीं हुई दोनों। फिर वही जैसे सिराज ने कहा कि फिर डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर के आप हवाले से बात करें। ऐसे हुमायूं सईद बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, फवाद में बॉलीवुड में काम कर लिया, मगर दोनों दे आर जेम्स, जेम्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं एज एन एक्टर एक पिक कर लें। चाची जान इतना गुस्सा किस बात का? अच्छा फिर आई थिंक हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चले। अच्छा अब आप बताइए लाहौर या कराची? कराची। कराची वालों के साथ ना ये जो मसला है ना ये वाला, कहते हैं हम लाहौर जाते हैं 10 दिन में बोर हो जाते हैं, कराची कराची है। मैं ये कहूंगी लाहौर से खुद। तो फिर आप कराची में? मैं तो मजबूरी में कराची हूं। क्या मजबूरी है भाई, ये तो कोई बात नहीं, मैं तो मजबूरी में कराची। देखिए मैंने कराची है वैसे एक बात है, हर जगह का कंपैरिजन नहीं है, लाहौर जो है ना वो उसका अपना एक मजा है, कराची का एक अलग मामला है। नहीं अब यहाँ पे लाइफ बड़ी बिजी है और यहाँ की लाइफ एक अलग है, इसका अपना मजा नो डाउट है, लेकिन लाहौर लाहौर है ये भी एक बात है, एक फैक्ट। ऐसे नहीं लोग कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, तो ये बात तो मैं कहूंगी। खैर जनाब बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं, खूबसूरत बहुत है, खूबसूरत बहुत है। टाइम चूंकि बिल्कुल अब खत्म होने वाला है, तो ईद का मौका है, तो केक हम काट लेते हैं। जी जी तो मदारी की कास्ट मेरे साथ है तो मुंह मीठा करते हैं नाज़रीन, हम लोग केक काटते हैं, आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। हम लोगों को आपने याद रखना, मदारी देखना आपने नहीं भूलनी, सिनेमा घर जाइए, और टिकट इतना महंगा नहीं है यार, अब तो छोड़े बस, अब जहाँ एंजॉयमेंट आती थी पैसे वैसे नहीं देखे जाते, आप मूवी देखिए और अपने फीडबैक, मजा ना आए तो पैसे वापस, मजा ना आए तो पैसे वापस। ये गिफ्ट्स इनके साथ जाएंगे, खालिद स्वीट्स के ये गिफ्ट्स हैं, मुंह मीठा आप लोगों ने करना, मीठा आप सभी को पसंद है। तो चले आइए केक काटते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर, कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं, जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं, जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं, कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें, कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें, कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें, जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें, गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायात पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है।
अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337-0310-377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।